जॉनसन एंड जॉनसन उन कंपनियों में से एक है जिसके बेबी प्रोडक्ट्स पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को काफी भरोसा है। जहां एक तरफ न्यूबॉर्न बेबीज के लिए जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स को काफी प्रेफर किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट से कैंसर होने का खतरा है। नमस्कार, मैं अखिल शर्मा, इस वक्त आप देख रहे हैं डीएनए। साल 2021 कनेक्टिकट के एक शख्स ने केस फाइल किया और कंपनी के बेबी प्रोडक्ट्स पर गंभीर सवाल उठाए और उन्होंने दावा किया कि पाउडर को ये लगातार इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें मेसोथेलेमिया जैसा एक रेयर कैंसर हो गया है, जिसके बाद उनकी सुनवाई को गंभीरता से लिया गया और एक फैसला सुनाया गया कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर $15 मिलियन यानी 126 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइन इम्पोज किया जाता है। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों ने जॉनसन कंपनी के खिलाफ केस फाइल किए हैं, जहां अधिकतर लोगों का कहना है कि जॉनसन टेल्क से उन्हें ओवेरियन कैंसर जैसे सीरियस गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जॉनसन कंपनी का कहना है कि कंपनी ने ट्रायल जज के गलत फैसले के खिलाफ पहले ही अपील कर दी है, क्योंकि साइंटिफिक टेस्ट में इस बात की पुष्टि पहले ही हो चुकी है कि जॉनसन बेबी के सारे प्रोडक्ट्स एकदम सेफ हैं और उनसे किसी भी तरह का कैंसर नहीं हो सकता है। फिलहाल इस मामले को अपर कोर्ट में ले जाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपर कोर्ट में इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और भी रिपोर्ट्स को देखने के लिए फॉलो करते रहें डीएनए।